हियर दिस इज ऑल अबाउट मी, यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं और मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया पर पढ़ाता हूँ, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। दिस इज द मोबाइल नंबर, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट सब्जेक्ट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी मेल आईडी मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, नोट्स, वट एवर जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस बार कोड को स्कैन कर लीजिए और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर वी कैन, दिस इज द कोर्स, दीज आर द कोर्सेस, जो लोग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स से। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, वन सेकंड, 28 नहीं था। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, NFSA 2013 की। So has included setting of effective grievances redressal mechanism for stunting of. Okay. कौन सा क्वेश्चन, कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा? People system of network, public distribution system agency, targeted public distribution system जिसको हम TPDS बोलते हैं, and total public private system. सो ऑप्शन नंबर, सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, आप दोबारा ओपन कर लीजिए इसको ना, इस लिंक को दोबारा ओपन करिए, टेलीग्राम में जो भेजा हुआ है इसको बंद करके। आई थिंक सभी को स्क्रीन शो हो रहा है, यस आई थिंक सभी को स्क्रीन शो हो रहा है, सो प्लीज ओपन अगेन द लिंक। TPDS, PDS का मतलब बताइए, and this is a kind of grievances redressal mechanism, ताकि हम इस TPDS को और strong कर पाएं। देखिए TPDS का जो focus था कि किस प्रकार से rural area में और urban area, rural area में लगभग 75% और urban area में 50% जो है population को cover करना under TPDS, ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, गरीब लोग, 50% उस पॉपुलेशन को कवर करना, और ग्रामीण क्षेत्रों में 75% रूरल पॉपुलेशन को कवर करना अंडर दिस TPDS सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 28, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ द मेरिट राइट्स ऑफ द मेन डेविएशन। अब यहाँ पर अगर आपने मेन डेविएशन को पढ़ा होगा, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो आप इस आंसर को, इस क्वेश्चन को पढ़ करके इसके सही आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। आई थिंक नेटवर्क इशू है या मे बी द इशू ऑफ नेटवर्क। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ मेरिट ऑफ मीन डेविएशन। व्हाट इज मीन डेविएशन, वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स इन द यूनिट 5, राइट, यू शुड नो अबाउट दिस। ओके, गिव द आंसर एज वेल एज द मीनिंग ऑफ मीन डेविएशन, और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसका मतलब आपको बताना है। ए और डी करेक्ट है। सो व्हाट इज मीन डेविएशन, उसका हम यूज कहाँ करते हैं? बेसिकली मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना ना, तो मीन डेविएशन का मतलब होता है कि हम एवरेज निकालते हैं डेविएशन का, डेटा फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल पॉइंट,
राइट, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वेरियंस निकाला था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, उसके पहले हम लोग मीन डेविएशन भी निकालते हैं। जो डेटा सेट होता है उसका पहले मीन निकालते हैं, मीन से उसको माइनस करते हैं हर एक वैल्यू को, उसके माध्यम से जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर किया जाता है, फिर हम वेरियंस निकालते थे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे। ओके, मे यू हैव रिमेंबर, आई डोंट नो, इसमें जो दिया हुआ है मीन डेविएशन इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ये गलत है। ओके, बिल्कुल गलत है, ये आपका बी ऑप्शन जहाँ जहाँ लिखा है वो गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब दो ही ऑप्शन बचे हैं आपके पास, तो ए जो है दोनों में है, तो आपको ए को पढ़ना भी नहीं है, केवल आपको डी देखना है कि सही है कि गलत। इन दिस मैथड एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक साइन आर इग्नोर वाइल टेकिंग द डेविएशन ऑफ द आइटम, सो विच ऑप्शन विल बी राइट? इन दिस मैथड एल्जेब्रिक साइन इज इग्नोर, इग्नोर नहीं करते हैं। ओके, इग्नोर कहाँ करते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं। आपने पढ़ा होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो, जीरो कहाँ से आएगा अगर हम लोग इग्नोर साइन इग्नोर कर देंगे, तो ये अभी आपका गलत हो जाएगा, डी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा हुआ। ओके, ये भी याद कर लेना, एग्जाम में आता है एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो, वो कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कोई सीरीज दी है आपके पास, ओके, जब आप उसका मीन निकालेंगे और हर एक वैल्यू को मीन से आप माइनस करेंगे तो कुछ वैल्यू प्लस होगी, कुछ नेगेटिव की होगी, और उसका जब सम आप कर देंगे तो वो जीरो आ जाएगा। ओके, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था एक्स बार 2, 5, 8, 9, 11, ओके, ये एक्स था, इसका एक्स बार निकालेंगे, मीन का मतलब होता है सबको जोड़ के डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स, तो मान लीजिए कुछ भी मीन आ गया यहाँ पर 8 आ गया, तो 2 - 8 करेंगे 6 आएगा, 2 - 8 करेंगे जो वैल्यू आएगी उसको जोड़ेंगे वो जीरो आ जाएगा। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यही बचा है वो करेक्ट है। इसका मतलब क्या है, मीन डेविएशन इज लेस अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम देन स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम आइटम की बात कर रहे हैं, वहाँ सबको देखना पड़ता है, मीन जो निकालेंगे वो हर एक वैल्यू से माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो आइटम या वैल्यू जो है कौन सी है। फर्स्ट आंसर करेक्ट है। ओके, और इसमें क्या लिखा है, इट इज रियली यूज्ड, ये भी गलत है। सोशोलॉजिकल स्टडी में या सोशोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, सोशल वर्क में स्टडी करते हैं। ओके, डी क्यों होगा, डी डी नहीं होगा ना, डी नहीं होगा, आपका यही ऑप्शन बचा हुआ है डी। करेक्ट है, ओनली वन, ओनली ए। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन दी इन दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, क्या क्या चीजों को इसमें ऐड किया गया था इंक्लूडेड इन दिस एक्ट ताकि इसको और इफेक्टिव बनाया जाए इंप्लीमेंट करने के लिए इस एक्ट को। तो यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है क्या क्या चीजें इसमें ऐड की गई थी। अगेन दिस इज द वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप आंसर लगा सकते हैं बिना ये जाने कि NFSA में क्या क्या था क्या नहीं था। जब क्वेश्चन काफी बड़ा हो, लेंदी हो, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में बहुत कुछ दिया हुआ है समझने के लिए। सर आप म्यूट हैं।
ओके हेलो सर। ओके, मैं बात कर रहा था फूड सिक्योरिटी। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि आपको बताना है कि क्या क्या इस एक्ट के अंदर इनको ऐड किया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है फूड सिक्योरिटी एक्ट, चाहे आपको पता होना हो इसके बारे में, लेकिन ये कॉमन सेंस लगता है कि फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है, यहाँ पर फूड सिक्योरिटी केवल उनको दी जाती है जो लोग जो है पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, ओके, दे कांट अफोर्ड, तो उनके लिए सरकार जो है इस प्रकार के फूड सिक्योरिटी एक्ट लाते हैं, ना कि अमीरों के लिए। तो सभी सिटीजन के लिए तो नहीं बनता है एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीपीएल कैटेगरी के हैं या जो गरीब लोग हैं उनके स्पेशल कैटेगरी में उनको दिया जाता है, राशन कार्ड जिनके पास होता है। तो पहला जो ऑप्शन दिया है डिस्ट्रीब्यूशन टू फूड ऑफ फूड टू ऑल, तो ये तो गलत हो गया। अब ये गलत जब हो जाएगा तो आपके पास ये ऑप्शन बचा, ये खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट इसमें और कौन सा इसमें ऑप्शन एलिमिनेट होगा, दूसरे का आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिजिबल हाउस होल्ड, ये ठीक है कि जो भी एलिजिबल हाउस होल्ड है, जो पुअर लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना, इशूइंग द रेशन कार्ड टू द एलिजिबल हाउस होल्ड, ये भी करेक्ट हो जाएगा कि जो भी एलिजिबल होते हैं उनको राशन कार्ड प्रोवाइड कराना, वो इंक्लूड होंगे इसमें। एपीएल कार्ड वो डिपेंड करता है ओके कि किस प्रकार की फैसिलिटी या दी जा रही है इस एक्ट के अंदर, तो जनरली हम बात करेंगे यहाँ पर बीपीएल कैटेगरी की। ओके नेक्स्ट इसमें दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन एंटाइटल टू द एलिजिबल हाउस होल्ड थ्रू फेयर प्राइस शॉप एपीएस के माध्यम से, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी करेक्ट है, बी सी डी, और इश्यूएंस ऑफ द लाइसेंस टू फेयर डीलर्स एंड देयर मॉनिटरिंग। ओके सो इज इट, आई थिंक ई भी करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर ना, बी सी डी एंड ई, तो इसके अंदर आपका सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी सी डी, तीन चारों। जो भी फेयर प्राइस शॉप जो डीलर होते हैं उनको लाइसेंस इशू करना और उनकी मॉनिटरिंग के लिए, राइट, तो सी करेक्ट हो जाएगा बी सी डी। और वैसे अगर आप इसको देखने में थोड़ा सा, जहाँ सी सब में दिया हुआ है तो सी आपको देखना नहीं है, डी सब में दिया हुआ है तो डी आपको नहीं देखना है, आपको केवल देखना था ए बी और ई। ओके जैसे ई आपका करेक्ट हो सकता है बिल्कुल, इस जो लाइसेंस इशू किए जाते हैं डीलर्स को, तो इसका मतलब ई होगा, तो ई इसमें है नहीं, तो ये भी आपका एलिमेंट हो जाएगा, ये भी एलिमेंट हो जाएगा। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, ई दोनों में है तो मतलब ई बी को नहीं, ई को भी नहीं देखना, केवल आपको बी को देखना है, बी सही है कि गलत है। आइडेंटिफाइंग द एलिजिबल हाउस होल्ड ये करेक्ट होगा, आप ऐसे लगा सकते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन को देखेंगे इधर उधर करके ना तो आंसर आसानी से लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होता है, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, तो इस ऑप्शन इस ट्रिक के माध्यम से आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन डिड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च नेशनल हेल्थ मिशन NHM, कब लॉन्च किया गया? ओके इसके पहले ये जो है इसको लॉन्च किया गया था रूरल एरिया में, जिसको हम बोलते थे NRLM। ओके फिर गवर्नमेंट के द्वारा NRLM NULM बराबर NHM इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। ओके अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों में, हाँ वो अलग है मुझे पता है। ओके ट्यूशन फॉर्म दोनों को अलग अलग लॉन्च किया गया था क्या, NRLM NULM मर्ज इन 2013 ना, 2013 में इनको मर्ज किया गया। ओके दिस कॉल्ड इज NHM, इज इट राइट? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन टू NRLM होगा, हाँ वो तो करेक्ट है। वो तो उसका फुल फॉर्म है, मर्ज इन 2013 बिकम NHM, दैट इज आई एम सेइंग ना, दोनों को मर्ज किया गया 2013 में, राइट? करेक्ट करेक्ट।
2013 विल बी राइट आंसर। यहाँ पर बात कर रहे हैं एनएचएम की, एनआरएचएम। अच्छा एल लिख दिया मैंने क्या, एनआरएचएम है वो, एम एल नहीं है, ओके गलती से लिख गया होगा, ओके ओके दैट इज माय मिस्टेक, दैट इज एनआरएचएम, हेल्थ की बात कर रहे हैं, ओके बाय मिस्टेक एल हो गया, ओके सो ये 2013 इसका आंसर होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 31, आईएसओ 9000 ओरिजिनेटेड इन जर्मनी इंडिया यूके यूएसए, इसका मैंने लिस्ट बना के दिया हुआ था आपको, पहले भी एग्जाम जो जिन लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है इस बार दिया था, और अभी भी मैंने लिस्ट बना के दिया हुआ है, उसको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से पढ़ लेना, ओके दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको इसको पता होना चाहिए बस, व्हाई द यूनाइटेड किंगडम यूके, ये याद नहीं, ओके तो इसका लिस्ट मैंने जो दिया है उसको याद कर लेना, आईएसओ 900 बहुत सारे आईएसओ के उसमें दिए हैं लिस्ट में मैंने, ओके उन सबको याद कर लेना। अब ये तो क्वेश्चन अभी यहाँ पर आईएसओ 900 के बारे में आ गया, हो सकता है कि और दूसरे स्टैंडर्ड हैं, ओके दिस इज द मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, ओके इंडस्ट्री के लिए इसको बनाया गया था, जो भी प्रोडक्शन होता है उसकी क्वालिटी को लेकर के, ओके इंडस्ट्री के अंदर उसके सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड को लेकर के आईएसओ 9000 को बनाया गया। बहुत सारे आईएसओ स्टैंडर्ड हैं जो कि मैंने पूरा पूरा लिस्ट दिया हुआ है, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सी विल बी राइट आंसर। सर थोड़ा स्टैटिक कन्फ्यूजन हो जाता है, देखिए स्टैटिक को रिवीजन करना पड़ता है, वो सबके साथ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि आपको ही कन्फ्यूजन होता है, स्टैटिक को याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, राइट कोई ऑप्शन नहीं उसका, ये पेपर जो टू होता है ना थोड़ा सा थियोरिटिकल होता है इसमें ज़्यादा, राइट इसी वजह से पेपर टू में एवरेज मार्क्स आते हैं, क्योंकि पेपर वन में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, उसमें मैथ्स है रीजनिंग है, उसके पास क्लैरिटी रहती है कि आंसर गलत नहीं होंगे, ओके लेकिन पेपर टू में क्या होता है कि बहुत सारा थियोरिटिकल आता है, बहुत सारी थ्योरी होती है, अब थ्योरी भी याद करना है, थिंकर के नाम भी याद करना है, ओके 50% आपको याद ही याद करना होता है, समझने के लिए कम होता है, तो ऑफकोर्स पढ़ना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं, ओके जिन लोगों का जेआरएफ निकलता वो भी पढ़ते हैं, तो ये भी यही आपको सोच के पढ़ना है, तो कुछ लोग जेआरएफ निकालेंगे तो वो पढ़ के ही निकालेंगे, ओके आपके पास एक महीना पढ़ लीजिए, अच्छे से मेहनत कर लीजिए, जितना हो सके उतना याद कर लीजिए रट के, जैसे भी करके, ओके कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, जितने भी ये जो नाम होते हैं ना, जितने भी एक्ट या थिंकर के नेम है या जो बुक्स एंड ऑथर का नाम है, ओके रैंक है, इनका ना निमोनिक्स बना लेना कुछ, नाम के माध्यम से कुछ करके कैसे भी करके ट्रिक बना करके याद कर लेना, ऐसे तो याद नहीं होगा, ओके मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने सबका कुछ ना कुछ ट्रिक बना लिया था, ऐसे कुछ निमोनिक्स के माध्यम से कुछ नंबर दे करके, किसी को नाम दे करके, ओके किसी ने एक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे आप याद कर सकते हैं उसको, तो ऐसे करके आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ओके क्वेश्चन नंबर 32, पर्पसफुल सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग, सिलेक्टिव सैम्पलिंग, सब्जेक्टिव सैम्पलिंग, ये क्वेश्चन ये थ्योरी है सैम्पलिंग के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे लाइव क्लास में, ओके ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ओके कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 32 इसमें डाउट है डालिया, ओके पर्पस सैंपलिंग का मतलब क्या होता है,
is a kind of probability sampling, non-probability sampling. Anybody, Himani, Mishra, all are the non-probability sampling. बिल्कुल correct है. Non-probability sampling में क्या होता है कि researcher जो है sample को select करता है, जहाँ पर sample की जो possibility होती है select होने की वो बराबर नहीं होती, कोई भी sample select हो सकता है. तो purpose sampling में क्या होता है कि social worker या researcher जो होता है वो purposefully sample को select करता है, उसको लगता है कि ये जो sample है ये हमारे काम के हैं, हम इन पर्टिकुलर सैंपल को लेंगे अपने स्टडी के लिए और यहाँ पर हम डेटा कलेक्ट करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज पर्पजफुल सैंपलिंग. तो जजमेंटल सैंपलिंग का मतलब यही होता है कि रिसर्चर जो है अपने जजमेंट के अनुसार, ओके, अपने नॉलेज के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर देखता है कि कौन से सैंपल जो है बेहतर होंगे हमारी स्टडी के लिए, उसको हम बोलते हैं जजमेंटल सैंपलिंग. पर्पजफुल सैंपलिंग एक ही बात है. और सिलेक्टिव सैंपलिंग, सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दी व्हाट वी कैन से अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ रिसर्चर, तो उसको क्या लग रहा है कौन से सैंपल को सिलेक्ट करना चाहिए, वो कॉल्ड इज सिलेक्टेड सैंपल. जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन इज वांट टू स्टडी ऑन द फार्मर, ओके, सो ऑफ कोर्स दे विल गो इन विलेज. ना फार्मर कहाँ मिलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में. वहाँ पर जाकर के जो फार्मर हैं गांव के अंदर 100 लोग रहते हैं, उसमें से मान लीजिए 70 फार्मर हैं, सो ही विल इंटरेक्ट विद द 70 पीपल ओनली बिकॉज दीज आर द फार्मर. दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव सैंपलिंग. ये पर्टिकुलर सैंपल जो है यही हमारे काम के हैं, इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे एज पर अवर जजमेंट एक्सपर्टाइज ऑफ रिसर्चर, ही सिलेक्ट द सैंपल. रिसर्चर का जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, उसके अनुसार वो है सैंपल को सिलेक्ट कर लेता है. राइट, नेक्स्ट है सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिविटी दैट लाइक, देखो दो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ऑब्जेक्टिविटी, एक होती है सब्जेक्टिविटी. सब्जेक्टिविटी होती है आपकी, आप कैसे सोचते हैं चीज़ों को, कैसे देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं अदर चीज़ों को, वो आपका सब्जेक्टिव मैटर कहलाता है. ओके, तो सब्जेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी, जजमेंटल, ओके, दीज आर द थिंग्स जो कि एक रिसर्चर खुद अपने हिसाब से सोचता है, अपने हिसाब से समझता है, अपने जजमेंट के हिसाब से उसको क्या ठीक लग रहा है, क्या कौन से सैंपल उसको कलेक्ट करना है, कौन से सैंपल उसके लिए सही रहेंगे उसकी स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द नॉन जजमेंटल, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. सब्जेक्टिविटी मतलब यही हुआ कि आपको लग रहा है ना कि ये सैंपल जो है ये ठीक सैंपल है हमारे लिए, यहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर टाइम कम लगेगा, खर्चा कम होगा, मॉनेटरी बेनिफिट है, तो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिविटी. बिजनेस रहता है सब्जेक्टिविटी में. बायस, हाँ बिल्कुल, बायसनेस तो इसी वजह से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग तो बायसनेस होता है ना. पर्पजफुल सैंपलिंग करेंगे तो बायसनेस तो आ जाएगा. जजमेंटल सैंपलिंग भी बायसनेस होता है क्योंकि आपका खुद का जो जजमेंटल होगा, आप जो सोचेंगे वो बायसनेस तो होगा ही ना, रैंडमली नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं तो बायसनेस रहेगा. ओके, सिलेक्टिव, अब सिलेक्टिवली चीज़ों को आप सिलेक्ट करेंगे तो वो भी बायसनेस है, बायसनेस रहती है इसमें. क्लियर है, इसका क्वेश्चन था ये, डालिए. इज इट क्लियर? ओके, सो सेलेक्टिव, सब्जेक्टिव, जजमेंटल, पर्पजफुल, ऑल दीज आर द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. ऑप्शन नंबर ए बी सी, सी विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स आर क्रेडिट टू द फ्रेंच फेनोन. फ्रेंच फेनोन के द्वारा कौन सी इसमें से बुक्स लिखी गई हैं, उनकी जो राइटिंग्स हैं उनका क्रेडिट फ्रेंच फेनोन को जाता है. चार ऑप्शन दिए हैं, Rest of the Earth, Black Skin, White Mask, Concerning Violence, Black Man. ये मैंने नोट्स में दिया हुआ है, PDF में देख लेना. क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी होगा. ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क ये दिया था 1952 में, इनके द्वारा कंसेप्ट दिया गया था. ओके, कि ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क का मतलब क्या होता है कि जो ब्लैक लोग हैं वो कोशिश करते हैं व्हाइट की तरह बनने की, एक मास्क लगाना चाहते हैं, जैसे जो व्हाइट का कल्चर है, राइट, उनकी वे ऑफ लाइफ है, उनका लाइफ स्टाइल है, उनका फूड है, उसको अडॉप्ट करना, उसको एक्सेप्ट कर लेना. दैट काइंड ऑफ द मास्क उसको पहन लेना. सो फॉर दैट व्हाइट आर द सुपीरियर एंड ब्लैक आर इंफीरियर, एंड जो इंफीरियर है वो चाहेंगे हमेशा सुपीरियर की तरह बनने का. ओके,
कंसर्निंग बॉयलेंस। नेक्स्ट कौन सा है, प्लेज द अर्थ, ये 1961 में लिखा गया था इनके द्वारा। एबीसी तीनों करेक्ट है, ओके सी विल बी राइट आंसर। हाँ, ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क 1952 कौन सा है, कंसर्निंग वॉलेंस का क्या ईयर है, ये तो देखना पड़ेगा क्या ईयर है। ओके, मैं इसको देख करके बता दूंगा कल, सभी के ईयर याद नहीं रहते, कुछ कुछ याद रहता है कुछ भूल जाते हैं। ओके यस, देखो जो कुछ अगर चीज़ नहीं आती ना तो उसको देख करके बता सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, सब कुछ याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोशल वर्क इज आर करंटली नॉट फंक्शनल। आपको बताना है कि यहाँ पर कुछ संस्थाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी फंक्शनल नहीं है प्रेजेंट टाइम। लिस्ट में अवेलेबल आई थिंक होगा, प्लीज चेक। ओके, नोट्स में अगर नहीं होगा तो मैं दोबारा भेज दूंगा। ओके, लिस्ट में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं उसको देख करके बता दूंगा। कल चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए, एसोसिएशन के नाम है, सोसाइटी के नाम है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हिच वन इज नॉट करंटली इन नॉट इन फंक्शन। ओके, नोट्स में है, किसी ने बोला है नोट्स में, जिसको लगता है कि नोट्स में है वो उसका आप फोटो ग्रुप में डाल दीजिए। ओके, हिमानी मिश्रा, अगर आपको दिख रहा है ना तो आप उसका फोटो निकाल के ग्रुप में डाल देंगे। ओके, तो दो ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम है ASSWI, दूसरा है IATSW, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, ये प्रेजेंट टाइम में वर्किंग नहीं है, फंक्शनल नहीं है, और दूसरी IATSW दैट इज कॉल्ड इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर, ये प्रेजेंट टाइम में फंक्शनल नहीं। बोल सकते हैं कि इनके द्वारा जो इशू थे सोशल वर्क को लेकर के वो उनको रिजॉल्व नहीं किए गए, तो प्रॉपर तरीके से ये फंक्शन नहीं कर रहे। ओके, ये काफ़ी पुरानी संस्थाएं हैं, और जो प्रेजेंट टाइम में वर्किंग है दैट इज दी NNSSW, ये यूनिट वन में हम लोग डिस्कस किए थे अगर आपको याद रहेगा। ओके, इसके अलावा एक और संस्था है NAPSSCO, और एक और संस्था है MASWE, तो इनमें से आपको देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, विच इज नॉट फंक्शनल। ओके, IS इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल वर्कर, ये तो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर, ये वाला नहीं है, ये दोनों नहीं है ना, ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्कर। ओके, ये भी नहीं है, ये भी करेक्ट हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर, ये तो है, तो ये आपका नहीं होगा, बी और सी करेक्ट हो जाएगा। ये दो संस्थाएं हैं जो कि प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही प्रेजेंट टाइम में, बाकी सभी कर रही है, NNSSW, NAPSCO और MASWE। NNSSW का फुल फॉर्म क्या है बताइए, तीनों का फुल फॉर्म क्या है बताइए आप लोग, ये जो दो संस्थाएं हैं जो कि वर्क नहीं कर रही है ASSWI एंड IATSW, इनको याद कर लेना। NSSW नेशनल नेटवर्क्स ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क, और NAPSCO का मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर इंडिया। ओके, और इसमें एक और है MASWE,
महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर एजुकेशन, ये नोट वन की पीडीएफ फाइल होगी उसमें आपको मिल जाएगा, रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 35, इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स आर वर द फोकस ऑन, कहाँ पर फोकस करते हैं, किस प्रकार के राइट हैं, इकोनॉमिक कल्चरल और सोशल राइट, फर्स्ट जनरेशन राइट है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, बताइए। सो जो फर्स्ट जनरेशन राइट कौन कौन से है, सेकंड कौन से है, थर्ड कौन से, बताइए। आंसर तो सभी का करेक्ट है, सेकंड जनरेशन होगा, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में आपके आते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू लाइफ, ये सभी के सभी आपके जो सिविल और पॉलिटिकल राइट होते हैं। सर ये मुझे पढ़ना था। थर्ड में डेवलपमेंट हेल्दी, ओके, ये आपका फर्स्ट होगा। सेकंड में क्या है, इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट, ओके, जैसे राइट टू फूड है, हेल्थ, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, रोजगार, ये सभी आपके आ जाएंगे इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट में, जो कि एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है। और थर्ड जनरेशन राइट में क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल राइट, ये साफ सुथरा पानी मिले, साफ सुथरा इन्वायरमेंट हो, ओके, इसके रिगार्डिंग जितने भी डिक्लेरेशन है, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है, ओके, जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन, रियो डिक्लेरेशन फॉर इन्वायरमेंट, ये सभी के सभी आ जाएंगे आपके थर्ड जनरेशन राइट के अंदर। ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस प्रकार के जो एक्शन लिए जाते हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए, क्लाइमेट को बचाने के लिए, वो सभी के सभी अधिकार आते हैं आपके थर्ड जनरेशन राइट के अंदर, ताकि एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिले लोगों को, साफ सुथरा, सामाजिक आर्थिक विकास हो पाए। कंसर्निंग वायलेंस का ईयर नहीं मिला मुझे, बाकी अच्छा ठीक है, आप डिस्कस कर लेना। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन नंबर 35 तक। फर्स्ट जनरेशन राइट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, सेकंड जनरेशन राइट आता है इकोनॉमिकल सोशल कल्चरल राइट, और थर्ड जनरेशन राइट आता लाइक ह्यूमन राइट्स विच इन्वॉल्व इंक्लूड इन्वायरमेंट और अदर डेवलपमेंट लाइक सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ कॉमन अमॉन्ग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि दोनों में कॉमन होते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में और कम्युनिटी डेवलपमेंट में। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक मेथड होता है हमारे सोशल वर्क का, कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है कम्युनिटी के अंदर विकास करने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 का, दिस इज आल्सो टोटली बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस, आपको उसको देख करके बता सकते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसीजर आपको दोनों में फॉलो होगा, ओके, वॉलंटरी कोऑपरेशन जरूरी है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर भी, तो जहां पर ए भी आ जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब ए भी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये हट जाएंगे, ए और बी दोनों में है, बचा सी और डी, केवल सी देख लो या डी देख लो, अगर ये करेक्ट हो जाएगा तो भी आप ऑप्शन ए एलिमेंट कर पाएंगे। सी का मतलब सेल्फ हेल्प, सेल्फ हेल्प तभी हो पाएगा, ओके, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर फॉलो करना, वॉलंटरी कोऑपरेशन, तो ये भी करेक्ट है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप इन द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसमें किसी को डाउट है कुछ तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँ ज़्यादा, अदरवाइज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। गाइस प्लीज मेंशन कमेंट बॉक्स एनी डाउट इन क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक मेथड होता है, ओके ओके ओके, नो इश्यू। क्वेश्चन नंबर 37, हू प्रोपाउंड द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। डी,
वी हैव 5 मिनट ओके इन दिस क्लास, सो वी हैव टू कंप्लीट टिल क्वेश्चन नंबर 40 ओके, क्योंकि ये जो क्लास एंड होगा तो दोबारा हम लोग क्लास को दोबारा नहीं लाएंगे। चार्ल्स डार्विन के द्वारा थ्योरी दी गई थी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, उसी प्रकार से उसी से इंस्पायर होकर के हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा थ्योरी दी गई थी कौन सी, सोशल डार्विनिज्म की। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जो स्पीसीज हैं उनका एवोल्यूशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ओके, उनमें बदलाव होता जाता है लगातार, और जनरेशन टू जनरेशन उनके अंदर जो ट्रेट्स होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं उनमें बदलाव होता जाता है और नई स्पीसीज बनती जाती है। इसी प्रकार से सोशल डार्विनिज्म थ्योरी बताती है कि जिस प्रकार से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है उसी प्रकार से सोशल एवोल्यूशन होता है, समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर बदलाव उसी प्रकार से होता है, सोसाइटी बदलती जाती है आगे बढ़ती जाती है प्रोग्रेस करती जाती है ओके। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, हर्बर्ट स्पेंसर विल बी राइट आंसर, करेक्ट है। सो एग्जाम में अगर आ जाए सोशल डार्विनिज्म का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस। ये जो स्कीम है इसका फोकस है कि इंडिया के अंदर जो यूथ है ओके, उनको नॉलेज, उनको स्किल्स, उनमें लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना, स्किल डेवलप करना, नॉलेज प्रोवाइड कराना डिफरेंट सेक्टर्स में ताकि एक अच्छी लाइफ वो जी पाए। नेशनल यूथ अवार्ड बिल्कुल दिया जाता है, कौन सा है इसमें, विच इज नॉट एसोसिएटेड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप ओके, और नेशनल यूथ अवार्ड, नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है और रिपब्लिक डे परेड कैंप होता है। देखिए रिपब्लिक डे परेड कैंप इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि जो एनएसएस में जितने भी जो बोल सकते हैं यूथ होते हैं जो कि सिलेक्ट होते हैं अलग अलग स्टेट से, वो सभी के सभी लोग जाते हैं ओके, वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे के पूरे जो रिपब्लिक डे परेड होता है उसमें उनका हिस्सा होता है ओके, और कहीं ना कहीं वहाँ से बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है कल्चर के बारे में ओके, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट स्टेट के कल्चर के बारे में, फूड के बारे में समझते हैं। वो तो सर एनसीसी में होता है, नहीं वो एनसीसी अलग है, ये अलग है नेशनल, वो एनसीसी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, दीज लाइक इसमें जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कैंप उसके अंदर ओके परेड में, दे बिकम द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये रिपब्लिक परेड जो होता है उसमें पूरे प्रोसेस में जो फर्स्ट ऑफ मतलब 10-15 दिन का जो प्रोसेस होता है पूरा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें एज ए लीडरशिप क्वालिटी ओके डेवलप करने के लिए उनको उसमें इन्वॉल्व कराया जाता है कि जो प्रोसेस है पूरा उसमें वो इन्वॉल्व रहें, अंडरस्टैंड करें, उनके अंदर जो नेशनल इंटीग्रेशन या पैट्रियोटिज्म की जो भावना होती है, ब्रदरहुड की भावना होती है, उसको डेवलप करने के लिए उनको वहां पर भेजा जाता है एज ए कैंप ओके। टू 200 आर काउंट होता है एनएसएस के लिए हाँ, तो ये सभी चीज़ों के लिए वो वहां पर जाके वहां जाते हैं रिपब्लिक डे परेड के अंदर। तो इसमें जो नेशनल यूथ अवार्ड शामिल नहीं है तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों करेक्ट है ओके। इसको और पढ़ लेना अगर आपको किसी को पढ़ना है डिटेल में जाकर के, पूरे एक महीने रखते हैं वो लोग वहाँ पर कैंप में और उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ओके, जय श्री नाथ, ये तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सबको, एनसीसी या एनएसएस बेसिक हेल्पिंग स्ट्रेटजी फर्स्ट हैंड सोशल वर्क इन्वॉल्वमेंट एच ओके, एनसीसी, एनसीसी अलग है और एनएसएस अलग है ओके, सी होल्डर अनिल कुमार साहू भी है, आपका ऑप्शन सी है या सी होल्डर, सोशल वर्क इन्वॉल्वमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ओके आंसर है आपका, सेक्शन सेक्टर कैन बी बोथ बोथ लेवल, फॉर्मल इनफॉर्मल एक्स्ट्रा मूरल या फिर मैक्रो माइक्रो वॉलंटरी या इनवॉलंटरी। देखिए सोशल वर्क इन्वॉल्वमेंट बड़े स्केल पे होता है, अगर इंडस्ट्री जो है इंटरनेशनल लेवल की है तो हम बोल सकते हैं कि मैक्रो लेवल पे होगा, और छोटे लेवल पे भी माइक्रो लेवल पे
सोशल वर्क का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि वर्कर है और जो एम्प्लॉयर है, मैनेजमेंट है, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए सोशल वर्कर इन्वॉल्व होते हैं, या फिर बड़े स्केल पर लॉबिंग करना है, ओके, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है बड़े स्केल पर, वहाँ पर हम मैक्रो लेवल